हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब मिस्ट्री। तो आज हम आपके लिए लाए हैं FSSAI की ओर से एनालिसिस ऑफ आटा, उसमें भी डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर। तो आप निकालेंगे गेहूं के आटे का मॉइस्चर। सारे फार्मूले और तरीके मैंने पहले ही दे दिए हैं, तो आप देखिए ये रहा हमारा डिजिटल बैलेंस जिससे हम आटे के सैंपल का वजन करेंगे। एकदम स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, इसलिए इसका पहले से ही परीक्षण कर लेंगे। तो ये रहा हमारा चम्मच, ये रहा हमारा इसको कैंची की टाइप का, इसको बोलते हैं टोंग्स, TONGS। ये रहा ब्रश और ये रहा हमारा स्पैचुला यानी छोटा चम्मच। उसके लिए एक नोटबुक और एक पेन और हमारा चक्की आटे का सैंपल और ये रहा हमारा डिश एक्सट्रैक्टर जिसमें हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल मॉइस्चर और नमी को अब्सॉर्ब कर लेती है। ये रहा हमारा ओवन, हॉट एयर ओवन, तो एकदम बिल्कुल खाली रहना चाहिए। नीचे डिश रखी हैं जिनको थोड़ा मॉइस्चराइज कर लेते हैं ताकि इनमें से मॉइस्चर गेन हो जाए। और इसका ये रहा रेगुलेटर, तो आइए इसको सेट करते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये रहा 100 और ये रहा 120 और ये रहा 130। इसको सेट करने के बाद टेम्परेचर देखते हैं यानी थर्मामीटर से। तो ये हमने इसका यहाँ पे टेम्परेचर 130 डिग्री सेट किया है और ये हो जाएगा, हो गया है 130 डिग्री। एक और लगा होता है टेम्परेचर ओवन में ही थर्मामीटर, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी 130 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं ताकि कोई भी त्रुटि ना हो हमारे एनालिसिस में। तो हमने इसको मॉइस्चराइज करके डिस्ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं दोनों। इन्हें मॉइस्चर डिश बोलते हैं, दोनों मॉइस्चर डिश जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इस मॉइस्चर डिश को डिस्ट्रैक्टर से निकाल देंगे। और निकालने के बाद इस डिश को डिजिटल बैलेंस से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वेट करेंगे। तो इसको बड़ी सावधानी से इसका हम वजन करेंगे ताकि हमारे जो एनालिसिस है उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो पहले से हम मॉइस्चर डिश का वज़न लेते हैं। मॉइस्चर डिश का वज़न लेने के बाद तो खाली डिश को W बोलते हैं। W यानी कि वेट इन द ग्राम ऑफ एम्प्टी डिश। ये रहा हमारा सैंपल चक्की आटे का। तो आइए देखते हैं कि इस सैंपल में कितना मॉइस्चर है। तो इसमें 14% से ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 40%। और इसका तो डिश का वजन मैंने नोट कर लिया है, इसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने के बाद हम यहाँ पर 10 ग्राम चक्की आटे का सैंपल लेंगे। तो 10 ग्राम सैंपल डालेंगे इसमें, 10 ग्राम सैंपल और 2 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। 5 ग्राम सैंपल भी ले सकते हैं 1 घंटे के लिए, पर 10 ग्राम सैंपल FSSAI स्टैंडर्ड में लिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर 10 ग्राम सैंपल ले लिया है। मॉइस्चर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मॉइस्चर अगर अधिक होगा तो उसमें हमारा जो आटा होगा इसमें स्मेल आने लगेगी, बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा और उसकी स्टोरेज भी काफ़ी कम हो जाएगी, उसे बहुत कम दिनों तक ही हम सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए
तो हमने मॉइस्चर निकालने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने 10 ग्राम सैंपल ले लिया है। अब इसको टंग से पकड़ के बिल्कुल बराबर करके ओवन में रखेंगे। तो इसको अब ओवन में रखते हैं। ओवन में रखने से पहले टेम्परेचर चेक कर लें, 130 सेल्सियस प्लस माइनस 3 हो सकता है, लेकिन 130 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। तो हमने सैंपल को रख दिया है, ओवन को सही से बंद कर देंगे। एक बार हम चेक करेंगे थर्मामीटर में। और हाँ, अब इसका मेन चीज है टाइम। तो टाइम हुआ है 4:38, और 2 घंटे के लिए रखेंगे तो 6:38 पे हमको इसको निकालना है। 2 घंटे इसका प्रोसेस होता है। 2 घंटे में ये सारा मॉइस्चर निकल जाता है और हमारे पास बचता है एकदम आटा। जितना मॉइस्चर इसका गेन होता है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो आप यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला देख सकते हैं। तो ये W1 कौन सा हुआ? डिस्क का वजन और सैंपल का वजन। तो ये हुआ है वेट इन द ग्राम ऑफ द डिस्क विद द मटेरियल बिफोर ड्राई। ठीक, ये W है, वेट इन द ग्राम ऑफ एम्प्टी डिस्क, खाली डिस्क थी उसका वजन हो गया W1। ये हमारा सैंपल और डिस्क दोनों का वजन हो गया। तो सेम डिस्क थी हमारी 13.633 ग्राम की और 10 ग्राम उसमें सैंपल डाला। तो इस तरह से फिर हम 2 घंटे के बाद देखते हैं, हमारा सैंपल ड्राई हो गया है। उसको हम डिटेक्टर में रख देते हैं और ओवन को बंद कर देते हैं। इसमें रखते हैं, इसमें सिलिका जेल होता है जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसमें हीट जो थी वो सारी अब्सॉर्ब कर लेगा। 5 मिनट के बाद हम इस सिलिका जेल में जिसमें नीचे पड़ी होती है आपको दिखाएंगे। इसका अलग वीडियो में बनाऊंगा, पहले मैं मॉइस्चर का वीडियो बनाता हूँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ मॉइस्चर। तो हमने डिजिटल बैलेंस को चालू कर दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम अपना जो सैंपल था जिसको मैंने ड्राई किया था उसको सावधानी से टैंक्स से निकाल के वैलेंस पे रखेंगे। 0 ये रहा। तो हमारा वेट जो आया है वो आया है 22.520 ग्राम। इस वजन को हम नोट कर लेंगे। तो ये W1 हो गया, W2। तो आप ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको सारी चीज़ें। तो इस वजन को हम, ये कौन सा वजन है हमारा? ये हमारा वजन है W2, यानी कि वेट इन द ग्राम ऑफ द डिश विद द मटेरियल ऑफ द ड्राई, यानी कि जो मटेरियल और डिश का वजन है उसको ड्राई करने के बाद जो वेट आया। तो W1 में से W2 को माइनस करेंगे, 100 करेंगे, W1 में से W को माइनस करेंगे और हमारा आ जाएगा। तो आप देखते हैं हमारा जो W1 है तो 23.633, ये डिस्क और हमारे सैंपल दोनों का वजन हो गया। W2 ड्राई होने के बाद, ओवन में रखने के बाद का वजन हो 22.524 अपॉन W1 माइनस W। W1 वही वजन हमारा डिस्क और मटेरियल का वजन। तो डिस्क और मटेरियल के वजन में से हम डिस्क का वजन माइनस कर देंगे तो हमारा सैंपल वेट हो जाएगा। तो W1 हो गया और W केवल डिस्क का वजन, वेट इन द ग्राम ऑफ एम्प्टी डिस्क। ओके, तो ये खाली डिस्क का वजन 13.633 था।
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट लिखेंगे, और हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें हमारा रिज़ल्ट आया है 11.3% यानी 11.13%। यह हमारे जो चक्की आटा है इसमें मॉइस्चर की मात्रा है 11.13%। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, आटे का मॉइस्चर 11.13%। तो इसी तरह से आप किसी का भी मॉइस्चर निकाल सकते हैं। अब आप इस सैंपल को देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है और एक एक कण अलग है, और ये ऐसा लगता है जैसे हल्का सा भुना हुआ हो, इसका रंग हल्का सा चेंज हो गया है। तो आपको वीडियो पसंद आया है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हमने प्रिपरेशन किया पहले ही, तो जो ग्राइंडिंग मिल है उसका ज़्यादा ना महीन होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, 1 mm ISC का होना चाहिए, ठीक। मॉइस्चर डिस्क है वो 2.5 mm डीप और 7.5 mm वेथ होनी चाहिए। आगे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन का टेम्परेचर 130 से 133 सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है डिस्ट्रैक्ट जिसमें सिलिका जेल का यूज़ होता है वो एकदम सही होनी चाहिए और डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, एकदम चार्ज होनी चाहिए। तो हमारा परसेंटेज का मॉइस्चर, जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो एक बार और देख लें, W1 - W2 × 100/W1 - W2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W1 क्या है, वेट इन द ग्राम ऑफ द डिश विद द मटेरियल बिफोर ड्राई, ओके। W2 देख लीजिए, वेट इन द ग्राम ऑफ डिश विद द मटेरियल आफ्टर डे, समझ गए आप। तो वो ड्राई होने से पहले का था और ये W2 ड्राई होने के बाद ओवन में रखने के बाद का जो सैंपल का वेट होता है वो हो गया, ठीक। अब देखिए W का मतलब होता है वेट इन द ग्राम ऑफ एम्प्टी डिस्क, यानी कि खाली डिश का वजन। तो यहाँ पर आप समझ गए फार्मूले को। और हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है, FSSAI का पूरा प्रोसेस दिया गया है, आप आराम से सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये रहा हमारा चक्की आटे का सैंपल। इस तरह से आप हर किसी का टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।